छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से आपको पता चल गया होगा कि आपको कन्वर्टेबल थार में पूरी सेफ्टी मिलती है पूरे 20 से 30 सेकंड तक, जब तक कि कोई ये खोल ना ले और आपका ये जो सामान है लेके ना जाए। हाय गाइस, मेरा नाम प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्टेबल थार के प्रोज एंड कॉन्स, जो शायद महिंद्रा आपको नहीं बताएगी। एंड अगर आप सोच रहे कि आपको कन्वर्टेबल लेनी चाहिए या हार्ड टॉप, तो ये वीडियो आपको वो डिसाइड करने में हेल्प करेगा। सो एंड तक जरूर देखिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कन्वर्टेबल टॉप। ये आता है कैनवस मटेरियल में, जो स्टैंडर्ड ब्लैक कलर में आता है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है डिसेंट है, बट द मटेरियल क्वालिटी इज वेरी गुड, इट इज क्वाइट स्टर्डी। आप जब जंगल में जाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, पेड़ पौधे लगते हैं तो उससे कुछ होता नहीं है अंडर लाइक मीडियम ऑफ रोडिंग कंडीशन। अगर बहुत एक्सट्रीम कुछ हो जाता है तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, ना ही महिंद्रा देता है। बट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको जो मेंटेन करना है इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसको जब आप धोते वगैरह है, तो हमारा जो इंडियन वेदर है, डस्ट पॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बर्ड शिट, वो इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे आपको ये दाग दिख रहे हैं पूरे, ये बर्ड शिट के दाग है एंड ये इजीली जाते नहीं है। आपका जो रूफ टॉप है वो बस शोरूम से निकलने के दिन ही ब्लैक दिखता है एंड उसके कुछ दिन बाद ऑफ कोर्स, बट जैसे जैसे आप गाड़ी को यूज करते हैं तो ये पूरा डल हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स लुकिंग ग्रेश। दैट इज नॉट अ गुड लुक फॉर द कार। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो रूफ है जब नहीं होती है गाड़ी तो बहुत अच्छा दिखता है, क्रिस्प एंड स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे रूफ आपका एकदम, मतलब आपको फर्स्ट लुक में दूर से पता नहीं चलेगा ये हार्ड टॉप है या कन्वर्टेबल, बट जैसे जैसे आप इसे यूज करते हैं, आपका खोलना बंद करना हो जाता है गाड़ी का, आप गाड़ी थोड़ी बहुत चला लेते हैं तो लूज हो जाता है थोड़ा सा ये रूफ जो है। इसमें आप देखेंगे ये थोड़ा सिंक हो गया है, यहाँ पे ये कर्व हो गया है, आगे से भी कर्व हो गया है। दैट डज नॉट क्रिएट अ वेरी गुड लुक फॉर द कार। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अंदर से है। एक जो मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है वो है ये सेक्शन में, ये वाला और ये सेक्शन में, ड्राइवर के ऊपर एंड पैसेंजर के ऊपर। जब आप गाड़ी धोते हैं, ये दो सेक्शंस में पानी जमा हो जाता है एंड जब वो पानी निकालने के लिए आप अगर इसे प्रेस करते हैं ऐसे, तो पानी गिर तो जाता है बाहर, बट 20-30% अंदर आ जाता है, पानी सीप हो जाता है। वो जो वेलक्रो एंड चेन है विंडो का, उसके बीच में से पानी अंदर सीप हो जाता है, विच आई डिडंट थिंक दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। मतलब वो एक सरप्राइज था, जब पहली बार पानी जमा हो गया बारिश के समय और उसको प्रेस किया तो पानी अंदर आ रहा था, सीट वगैरह सारे गीले हो गए पीछे के। सो दैट इज अ ह्यूज ड्रॉबैक दैट आई थिंक। द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस रूफ इज, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जब मैंने ये गाड़ी का रिव्यू किया था उसमें मैंने बोला था ये रैटलिंग करता है एक सर्टेन स्पीड के ऊपर। अभी मैं जैसे 80 के ऊपर जाता हूँ तो थोड़ा सा रूफ हिलता है, आपको दिखाई देगा, एंड वो थोड़ा सा एक साउंड क्रिएट करता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द इन कैबिन एक्सपीरियंस। आपको अंदर बैठने के बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है इन टर्म्स ऑफ साउंड, तो ये कैनवस रूफ के कारण अंदर की सारी आवाजें बाहर और बाहर की अंदर, ये तो होना ही है कंफर्म। मतलब अंदर अगर आप म्यूजिक प्ले कर लो, कुछ भी बातें कर लो, बाहर सुनाई देगी बाजू वाले को। बाहर की जो साउंड है, हमारे इधर ट्रैफिक में कोई हॉर्न मार रहा है, कोई ट्रक को रेव कर रहा है, कोई अपनी रिक्शा उछाल रहा है, तो वो सब अंदर सुनाई देगा। उसके अलावा तो ये रूफ है ही, 80 के ऊपर जाओ तो ये रैटल करना शुरू कर देता है, अपना शोर मचाना शुरू कर देता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाओ, तो ले जा सकते हैं आप, बट ये आपको अंदर जो साउंड्स है ये बहुत डिस्टर्ब करेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, डस्ट। जब ये आपका रूफ बंद कर लेते हैं, आप पूरा मतलब पैक बंद कर लिया है, उसके चेन्स वगैरह वेलक्रो सब लगा दिया है,
डिजाइन पूरी तरह रिफाइन ना होने के कारण यहाँ पर ये छोटे छोटे छेद है, देखिए मेरी उंगली अंदर जा रही है, ये छोटे छोटे छेद है जगह जगह पे, उसके कारण अंदर पूरी ये डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये डस्ट है पूरी अंदर, एंड पीछे साइड में भी सीट्स के ऊपर वगैरह भी सारी डस्ट आ जाती है, एंड वो आपको अंदर से फिर डिटेल्ड क्लीनिंग करना पड़ता है हर बार। वो बहुत एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अंदर से मटेरियल भी जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर से ये ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर धूल जाके बैठ जाए तो वैक्यूम क्लीनर से भी नहीं निकलती है। अभी नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इसके कन्वर्टेबल रूफ का, इसको निकालने में और वापस लगाने में कम से कम आपको दो लोग लगेंगे। अगर सिंगल पर्सन होगा, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। इसके साइड के विंडोज तो निकाल दिए हमने, पीछे का विंडो निकालेंगे, फिर इसको अनलैच करके रूफ खोल देंगे। दिखाता हूँ, एक और चीज़ जो आपको दिखानी है वो ये चेन्स है। ये चेन्स इतने टाइट है, स्पेशली ऑन द कर्व्स, इधर कर्व हो जाती है, ऐसे टर्न हो जाती है चेन, एंड उसके आप अंदर जब डस्ट चला जाता है तो ये और भी मतलब दिक्कत का काम हो जाता है। आपको बहुत ताकत लगती है निकालने में, एक्चुअल रूफ निकालने से इसका चेन खोलने में ही दिक्कत आता है ज़्यादा। खुल गया फाइनली, ये अंदर ऐसे फोल्ड होके बूट में चला जाता है। जब आपका ये रूफ खुल जाता है तो कोलैप्स होके वो भी बूट में चला जाता है, एंड जैसे कि आपको पता है कि थार का बूट स्पेस बहुत बड़ा है, उस हिसाब से आप कुछ सामान रख नहीं पाएंगे इसके अंदर जब ये कोलैप्स होके अंदर जाएगा, एंड ना ही आप इसके ऊपर रूफ रैक बिठा सकते हैं। वो तो आप सपना देखिए भी मत, क्योंकि जब रूफ रैक बिठाएंगे तो आपका जो रूफ है मतलब कन्वर्टेबल का, वो खुल नहीं पाएगा, एंड दैट वुड मेक एब्सोल्युटली नो सेंस। तो उससे अच्छा फिर आप हार्ड टॉप ही ले लीजिए अगर आपको रूफ रैक बिठाना है तो। यहाँ पे अंदर दो लैचेस है, ये खोल देंगे हम पहले। ये खोल दिया, दोनों लैचेस खुल गए। अभी रूफ को निकाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ बीच में से इसको उठाना पड़ता है तब जाके ये पीछे जाता है। तो अगर दो लोग हो गए तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसको अभी पीछे टक इन कर देंगे बूट के अंदर। सो गाइस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स कन्वर्टेबल के, इसके कॉन्स मानने के ड्रॉबैक्स तो काफी सारे हैं, प्रोज भी काफी सारे हैं, बट द ओनली प्रो दैट मैटर्स फॉर मी इज द ड्राइव क्वालिटी इन दिस कार। इसमें ड्राइव करने के बाद में आपको जो मजा आता है, इट इज लाइक राइडिंग अ मोटरसाइकिल, सो मच फन विद दिस पावरफुल पेट्रोल इंजन एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, इट इज सो मच फन। एंड आप बाहर भी देख सकते हैं, आपको सारा जो नजरिया है बाहर का वो क्लियरली दिखाई देता है। How can you not like the convertible Thar? How can you not? But still, अगर आपके requirements और आपके जो priorities हैं उसके हिसाब से अगर आपको hard top जो है वो आपको preferred है, you can go for that. अगर आपको कोई questions हो गए तो आप मुझे comment section में ज़रूर पूछिए। Video को like कीजिए, subscribe कीजिए and share कीजिए। I'll see you in the next one. Until then, take care. Bye.